हमने रखा है जी हजूर, कल के उसमें। तो आज तो मैं इनकी बात से इंक्लाइंड हूँ बेल देने को। डायरी का एक एक लाइन हुजूर स्टडी किया है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजू करता हूँ। किस डायरी में रहता है सर? चलिए हुजूर, दही चूड़ा खा करके आए थे हुजूर, हमको लगा कि चलिए दोहरा खा ली नहीं चुकी है। पिटीशन फॉर रेगुलर पे लॉर्डशिप सेक्शन अंडर 302, 386, 379 and 30 IPC लॉर्ड एफआईआर पढ़ेंगे? एफआईआर पढ़ेंगे हुजूर। सबने निवेदन है कि मैं अरविंद सिंह पिता स्वर्गीय नवल किशोर सिंह ग्राम पोस्ट सिमरिया थाना बरौनी जिला बेगूसराय का स्थायी निवासी हूँ। विदित हो कि दिनांक 14/6/2021 को समय लगभग 8:45 बजे रात्रि में मेरा पुत्र नीरज कुमार बगल के काली मंदिर चौक पर से घर आ रहा था कि कृष्ण मुरारी कुमार के आटा चक्की मिल के पास पहुंचा तो कई आपराधिक प्रकृति के लोग घेर कर गाली गलौज करते हुए हल्ला कर रहा था। जब हल्ला सुना तो दरवाजे पर से घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि मुकेश कुमार व राकेश कुमार पेशर फुलेना राय उर्फ दो घोड़हरा एवं बबलू कुमार पेशर राम प्रवेश सिंह तथा रोशन कुमार पिटिशनर मिलो पेशर दिनेश राय सोनू कुमार पेशर कर कमलापति सिंह सभी ग्राम सिमरिया थाना बरौनी जिला बेगूसराय तथा सौरभ कुमार पेशर मुकेश कुमार सिंह ग्राम बिहटा वार्ड नंबर 19 थाना बरौनी जिला बेगूसराय शिवम कुमार पेशर अमिन कुमार ग्राम बिहट वार्ड 18 थाना बरौनी जिला बेगूसराय। बबलू ने ऑर्डर किया, मुकेश ने गोली मार दी हुजूर, बस इतना ही हुजूर आरोप है कि बबलू कुमार ऑर्डर किया। और औरों का इसमें बेल हुआ है कि नहीं? इन दो के नहीं हुजूर, मैं फर्स्ट हूँ। कल और हुजूर मेरा हुजूर कहना है कि मैं इधर से गोली की आवाज़ आई, मैं भी वहाँ पहुँचा हुजूर। वहाँ पहुँचने के बाद मेरे पहले 8-10 आदमी खड़ा था। मैं जो कोऑपरेटिव करना था, चूँकि वो कोऑपरेट करना था चूँकि वो ग्रामीण था, मैं जितना कोऑपरेट करना था मैंने किया भी। बाद में इन्फॉर्मेट आए हुजूर मेरे पहुंचने के बाद, वहां 10-12 आदमी पहले से वो समझ गए। वो आपकी कहानी तो अभी नहीं देख पाएंगे ना हुजूर, वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या होगा वो देखेंगे। आप कस्टडी में कब से हैं? हमारा कस्टडी हुजूर 20/7/2021 से हुजूर। मैं वॉलंटरी, जैसे ही मेरा नाम आया हुजूर हमको पता चला, हम वॉलंटरी सरेंडर किए हैं और मेरा कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हुजूर नहीं है। बोलिए सर जी हुजूर। उसके बाद हुजूर मुकेश के जो मारे हैं गोली हुजूर, उसके बाद इन लोग की तरफ से भी डिस्क्रिमिनेट फायरिंग किया गया हुजूर। और उसको ये कहां से कहते हैं एफआईआर? उसी के नीचे हुजूर मुकेश कुमार ने मेरे पुत्र के सिर में गोली मार दिया, तब मैं हल्ला करने लगा। इतने में सभी अपराधी मेरे हाथ में लिए अवैध हथियार से तावर तोड़ गोली चलाने लगा और 5 लाइव काटी जो इंटी काटी बाय रिकवर्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑफेंस लॉर्डशिप एंड सस्टेंड 4 इंजरी लॉर्डशिप और डेथ कर गए नीरज कुमार हुई सन ऑफ द इन्फॉर्मेंट लॉर्डशिप। लेकिन इन पर कोई इल्जाम नहीं है। और इसी से हर यू अराइजिंग आउट ऑन अनदर केस लॉर्डशिप, उसको हुजूर आफ्टर वेकेशन रखा गया है 4/8/6/6/4/2021 लॉर्डशिप हमने रखा है जी हुजूर कल के उसमें। तो आज तो मैं इनकी बात से इंक्लाइंड हूं बेल देने को। साथ में सुन लिया जाए मैंने डायरी का एक एक लाइन हुजूर स्टडी किया है जो कि मैंने 5 में लिखा है कि 2 में जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, 8 में सीजर लिस्ट है, 9 में स्टेटमेंट एक ग्रामीण का अजीत कुमार का, उन्होंने भी यही बात कहा है कि मुकेश कुमार फायर किया है और बबलू सिंह ऑर्डर दिया है। मैं ये बात लिखी एक एक लाइन में हुजूर पढ़ करके कब का कब के डेट में रखा है उसको? ओपनिंग डे वैल्यू ऑन द ओपनिंग डे जी। नंबर क्या है केस का उसका? 4/8/6/6/4/2021 लॉर्डशिप ना डेट 4/8/6/6/4 उसमें आप नहीं बस किए थे जी? ना हुजूर मैं बस लिखिए। तो दो तरह का नहीं होगा, मैं इसमें लिखा दे रहा हूँ आपकी आर्गुमेंट सो दैट उस समय याद रहे। क्या नाम है आपका? विनोद प्रसाद सिंह PI। हर्ड मिस्टर विनोद प्रसाद सिंह लर्नेड एडवोकेट फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर विजयानंद लॉर्ड विजयानंद फॉर द इन्फॉर्मेंट द स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सोएंसो। द पिटिशनर सीक्स बेल इन कनेक्शन विद सोएंसो।
First off, the accusation in the first information report is that on the orders of one Bablu, comma, who accused Manoj, fired from his weapon, which hit the deceased as Manoj a result of Mukesh Lordship. Mukesh Lordship. Manoj Mukesh Singh Mukesh, yeah. Which, on the orders of one Bablu, who accused Mukesh, is said to have fired from his weapon, killing the deceased. First off, thereafter it has been alleged in the FIR that other accused persons also resorted to indiscriminate firing, but nobody was injured. First off, the occurrence took place for the reason of the deceased not paying up the protection money / Randari tax to the accused persons. First off, Mr. Singh, learned advocate for the petitioner, has submitted that the accusation is absolutely false. First off, in fact, he had reached the place of occurrence even before the informant and had actually witnessed the occurrence. First off, for some inexplicable reason, and perhaps for the reason that he was seen at the place of occurrence by the informant, comma, he too has been named in the FIR. First off, fortunately, he has not been attributed with any specific overt act. First off, apart from this, it has been voluntary surrender before the court. Ek minute, rukhiye. To aap jab jo likha rahe ho usse main dusri tarike se likha de raha hu, jo bhi sunega bail ho jayega. Apart from this, it has been submitted on behalf of the petitioner that in the entire investigation paper, there is no connection has been drawn between the petitioner and the other accused persons, or for that matter, the killing of the deceased, or for that matter, the demand of protection money, or the killing of the deceased. He further submits that shortly after he came to learn about his having been named in the FIR, comma, he voluntarily surrendered before the voluntarily surrendered to the process of law and is in custody since then. That is from 20-7-2021. Same day I am surrendered. Then since then, that is from 27-2021. The petitioner also it has been urged that the petitioner has clean antecedents. Petitioner does not have criminal record. However, Mr. Vijay Anand, learned advocate for the informant, has submitted that in a case of similar nature, that in a case of co-accused with similar nature, this court has directed the matter to be listed on opening day. Lordship, opening day ka date hota hoga na? Mujhe yaad nahi opening day kaun sa hai. 20 dekh lena usko records. Why can't you be more specific? Inki bail to aapne rok di, lekin ab aap specific nahi bolte on which day. लिखा क्या लिखा है? सिमिलर केस इन क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर सो एंड सो इज लेट बोथ दिस केस लेट दिस केस आल्सो बी लिस्टेड अलोंग विद दैट केस वेयर फर्स्ट ऑफ कॉल फॉर द केस डायरी एज वेल एज द स्टेज ऑफ द एज वेल एज अ रिपोर्ट अबाउट द स्टेज ऑफ द केस फ्रॉम द कोर्ट बिलो स्टेज ऑफ द फ्रॉम द कोर्ट बिलो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज कर केस डायरी में आता है सर. चलिए सही चूड़ा खा करके आए थे वो जुर्म को लगा कि चलिए दोहरा के खा लीजिए. नहीं, चूंकि मिस्टर काउंसिल, ओनली बिकॉज आई हैव एडजर्न्ड अ मैटर, देयरफॉर देयर शुड नॉट बी टू, बट टुडे फ्रॉम योर आर्गुमेंट आई एम कन्विंस्ड दैट बेल शुड बी ग्रांटेड.